स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का स्पेशल एपिसोड प्रीलिम्स स्पेशल। स्टडी 91 पर ये पिछले दो महीने से इस एपिसोड को मैं जो है लगातार कंटिन्यू जो है होस्ट कर रहा हूं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस क्लास वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उमियाक नामक जनजातियां कहां पाई जाती हैं, दूसरा पिग्मी निवास जनजातियां कहां निवास करती हैं, या जुलू लोग कहां पर रहते हैं, या फिर लेप्स कहां पाए जाते हैं, सेमांग जनजातियां कहां पाई जाती हैं, या लाई जनजातियां, चूरा जनजातियां, ऐसे तमाम विश्व की जनजातियां जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, जिनको आप देख रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, उन पर वन बाय वन करके हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे और शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रतिदिन ये सेशन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। कब? रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है प्रसारित किया जाता है। और शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहां है, लाई नामक जनजातियां कहां पाई जाती हैं। आपके विकल्प हैं जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड। आपको जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, क्लू देता हूं, भारत में एक राज्य है जहां लाई हरोबा नामक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जी हां, भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको लाई हरोबा के नाम से जो है जाना जाता है। अब थोड़ा सा जो है आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि भारत में यह त्यौहार मनाया कहां जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मैतेई जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अब इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि इनमें से दिए हुए पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी देशों के साथ जो है लगता है, तो आप कहोगे म्यांमार। म्यांमार में पाई जाने वाली जो जनजातियां जिनको कि लाई जनजातियों के नाम से जो है जाना जाता है, जहां अराकाम योमा पर्वत श्रृंखलाओं पर जो है ये जनजातियां निवास करती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। जापान में एनु नामक जो है जनजातियां जो है पाई जाती हैं, एनु नामक जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि म्यांमार में जो है लाई हरोबा त्यौहार को मनाने वाली जो है जनजातियां लाई जो है निवास करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न को देखते हैं। वैसे बर्मा, जिसको जो है कभी ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था भारतवर्ष में, आगे इसका जो है थोड़ा सा रूप बदला, इसी का बिगड़ा हुआ रूप जो है बर्मा हुआ। यहां पर भी पाई जाने वाली जो जातियां हुई उनको बर्मी कहा गया, उनकी भाषा को जो है बर्मी भाषा कहा गया, और यही बर्मा आगे जो है फिर बदलता है तो बर्मा से ये क्या बन जाता है? म्यांमार बन जाता है। कौन सा? म्यांमार बन जाता है। इसे सुवर्ण क्षेत्र के नाम से या सुवर्ण देश के नाम से भी जो है जाना गया। अब इसकी राजधानी कहां पर है? तो अब इसकी राजधानी कहां पड़ती है? तो अब इसकी राजधानी पड़ती है कहां पर? अब इसकी राजधानी पड़ती है ने पे ता। जब बर्मा था तो इसकी राजधानी कहां थी? रंगून थी। कहां पर? रंगून थी। और इसे सुवर्ण देश के नाम से भी जो है जाना गया। इसकी करेंसी को क्यात के नाम से जाना जाता है, क्यात के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वो राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखें, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजातियां कहां पाई जाती हैं? ब्रिटेन नामक जनजातियों की वजह से ही एक यूरोप में द्वीप जिसको कि ब्रिटेन नाम दिया गया, और अब तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ब्रिटेन नामक जनजातियां फ्रांस में, जिसको लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस को किस नाम से जाना जाता है? लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसे सुर सुंदरियां और जो है शराब का जन्मभूमि कहा जाता है। किसको? फ्रांस को। और यहां के पर्वतों पर, आल्पस पर्वतों पर पाई जाने वाली जनजातियों को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटन जनजातियों के नाम से जो है जाना जाता है। हालांकि इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक भी मान्यता है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो है ब्रिटेन पराजित हुआ था, फ्रांस जो है विजयी हुआ, और फ्रांस के लोगों ने
इसलिए अपने यहां रहने वाली जनजातीय लोगों को जो है ब्रिटेन नाम दिया था। बहरहाल फ्रांस में लघु यूरोप, जिसको मैंने बताया कि सुरसुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस, वहां पर जो है आल्पस पर्वतों के श्रृंखलाओं में ये जनजातियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, फ्रांस जिसकी राजधानी दुनिया जानती है, आप भी जान जाइए, कहां पर है? पेरिस में है। और किस नदी के तट पर स्थित है इसकी राजधानी? तो आप कहेंगे कि ये किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। सीन नदी के तट पर है। 14 जुलाई को ये देश अपना स्वतंत्रता दिवस या बास्टिल दिवस के रूप में जो है मनाता है। अभी आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय कुछ दिन पहले जब फ्रांस की यात्रा पर थे, तो उस समय वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, सेमांग जनजाति का निवास स्थान है। सेमांग जनजाति एकमात्र ऐसी जनजातियां हैं जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी होती हैं। विशुद्ध रूप से क्या होती हैं? शाकाहारी। जनजातीय लोगों का और शाकाहारी होना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे करेला नींव पर चढ़ जाए और उसमें जो है तीखापन ना हो। बहरहाल सेमांग जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मलय प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी कहां पर? मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर और जिसकी करेंसी रिंगिट है। मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उनको पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी। पिग्मी वो लोग होते हैं जो बड़े वो लोग होते हैं, ये लोग जंगलों में पेड़ों पर निवास करते हैं। इनको जो है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की जरूरत नहीं है ना, कहाँ, ये पेड़ों पर ही अपनी जिंदगी जो है बिता लेते हैं। और पिग्मी जनजातियां विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र या कह लो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटर के आसपास के जो है क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में वैसे तो पहला विकल्प सही है, कालाहारी का मरुस्थल जो कि पाया जाता है कहां? बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में। यहां पर जो है बुशमैन नामक जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बुशमैन नामक जनजातियां पाई जाती हैं। और चींटियां इनका प्रिय भोजन है, इसलिए चींटियों को बुशमैन जनजातियों का चावल कहा जाता है। पट्टे बिल्कुल चावल की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। और टुंड्रा में पाए जाने वालों को एस्किमो कहते हैं। दुनिया जानती है एस्किमो का मतलब ही होता है कच्चा मांस चबाने वाला इंसान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजातियां, एटा तो वैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला भी है, लेकिन यहां पर जो है एटा जो बात हो रहा है वो जनजातियों की हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मलेशिया में, फिलीपींस में, श्रीलंका में या म्यांमार में? फटाफट फटाफट जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर बताएंगे कि ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैंने बताया था लाई नामक जनजातियां यहां पर जो है पाई जाती हैं। रोहिंग्या ये भी यहीं पाए जाते हैं। रोहिंग्या इनको मुसलमान कहा जाता है, वहां की जनजातीय क्षेत्र में पाई जाने वाली ये भी जनजातियां ही हैं। श्रीलंका में पाए जाने वाली जनजातियों को वेद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद्दा के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में पाई जाने वाली को जो है एटा कहते हैं, एटा। और मलेशिया में पाई जाने वाली जनजातियों को सेमांग के नाम से जाना जाता है। ये जनजातियां इसलिए पूछी जाती हैं कि अब तक जितनी जनजातियां भारत में पाई गई उनमें ये लोग ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं। बिल्कुल कृषि, पशुपालन पर आधारित इनका जीवन होता है और विशुद्ध रूप से ये लोग जो है शाकाहारी होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, फिलीपींस। फिलीपींस जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और मैंने बताया कि ये जनजातियां कृषि कार्य और जो है कौन सा, पशुपालन में भी जो है पशुओं को जो है चराना इनका मुख्य जो है पेशा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया है। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है आप कमेंट करके बताना मुझको, क्योंकि अफ्रीका आपको जो है पढ़ा चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? नाइजीरिया के मूल निवासी जो है हौसा
उनको किस नाम से जानते हैं? हौसा जनजातियों को जो है नाइजीरिया का मूल निवासी कहा जाता है। चुकची नामक जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहां पर? अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और अलास्का जैसा कि आपको पता है ये अपनी बाउंड्री शेयर कर सकता है, किससे करता है? कनाडा से। है किसका? अमेरिका का। यूएसए का एक राज्य है अलास्का, यूएसए का 49वां राज्य जो है अलास्का है, लेकिन अपनी बाउंड्री यूएसए से शेयर नहीं करता है, कनाडा से शेयर करता है। इसको मैंने पढ़ाया तो आपको बताया। इसी अलास्का और जो है मैं बताया था कि उत्तरी अमेरिका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और एशिया की जो जलसंधि है जिसको कि अलास्का की जल, जिसको कि जो है बेरिंग की जलसंधि कहते हैं, और बेरिंग की जलसंधि जो है, बेरिंग की जलसंधि दो सागरों को जोड़ती है। एक किसको? तो आप कहेंगे बेरिंग सागर को, बेरिंग सागर को जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, और उसके ऊपर जो है उत्तर की दिशा में जो मिलेगा आपका वो जो है चुकची सागर होता है। और चुकची सागर जो है ये किसका हिस्सा होता है? आर्कटिक क्षेत्र का हिस्सा होता है। इन जनजातियों के द्वारा जो है वहां मछलियों का सबसे अधिक जो है शिकार किया जाता है, और इसीलिए संभवतः उसका नाम भी वही दिया गया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फुलानी, फिल्ला, जेकारू या मसाई? मसाई नामक जनजातियां तो पाई जाती हैं कहां पर? केन्या में। और कहां पाई जाती है? तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया में, तंजानिया में। अब इसी को बदल करके पूछता है मसाई नामक जनजातियां किस झील के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो विक्टोरिया झील के जो है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विक्टोरिया झील, जैसा कि आप जानते हैं, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और ये तीन देशों को जो है कनेक्ट करती है। किसको? वाई टी के, मैं बताया था ना, के का मतलब केन्या, टी का मतलब तंजानिया, वाई का मतलब युगांडा। इन्हीं तीनों देशों से ये लगती है, और इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों को मसाई के नाम से जो है जाना जाता है। फिल्ला नामक जनजातियां ये कहां पाई जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वहां पर भेड़ बकरियों को जो है चराने वाली जनजातियों को ही किस नाम से जानते हैं? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जो है जनजातियों को जेकारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। फिर से एक मिनट जो है सुन लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजातियों को जेकारू कहते हैं, जो कि भेड़ बकरियों को चराने का जो है काम करती हैं। फिल्ला जो है नील नदी, कहां पर? नील नदी। तो नील नदी कहां बहती है? आप कहेंगे सहारा के मरुस्थल में, स्पेशली कहां पर? मिस्र में। यहां पर कृषि कार्य करने वाली जनजातियों को जो है, कृषि कार्य करने वाली जनजातियों को फिल्लाह के नाम से जो है जाना जाता है, फिल्लाह के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि फुलानी जो है, ये फुलानी कहां पाई जाती हैं? ये जनजातियां जो पाई जाती हैं अफ्रीका के क्षेत्र में। कहां पर? अफ्रीका के सालेह के क्षेत्र में, सूडान और इथोपिया वाले बेल्ट में, सालेह क्षेत्र में पाई जाती हैं, सालेह के क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी सूडान और इथोपिया के क्षेत्र में ये जनजातियां जो है पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है। नील नदी की घाटी में निवास करने वाली, कृषि कार्य करने वाली जनजातियों को जो है फिल्लाह के नाम से, कहां पर? मिस्र में। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या है? एस्किमो पाए कहां जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? प्रयागराज में? ना, एस्किमो पाए जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या कह लो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या कह लो टुंड्रा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर? टुंड्रा का क्षेत्र, जो कि हाफ एंड 66 डिग्री, जिसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, हाफ एंड 66 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड से लेकर के, और ये करीब करीब जो है ये 75-80 डिग्री लेटिट्यूड तक जो है पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल जो है यूं कह लो कि उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जनजातियां होती हैं, जिनकी जिंदगी बड़ी विचित्र होती है, इन लोगों को एस्किमो कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका में रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा के ऊपरी हिस्से पर जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको यही कहते हैं।
क्या एस्किमो कहते हैं। एस्किमो का लिटरल मीनिंग होता है कच्चा मांस खाने वाले लोग। इनको यहां पर इनुइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इनुइट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यूरोप वाले बेल्ट में जो फिनलैंड है, नॉर्वे है, आपका ये जो क्षेत्र है, यहां पर जो जनजातियां, यही एस्किमो लेफ्स के नाम से जो है जाने जाते हैं। फिन जनजातियां ये भी जो है ध्रुवी क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक जनजातियां थी, जो कालांतर में जो है अपने को इतना डेवलप कर ली कि उनके नाम पर ही जो झीलों का, हजार झीलों का देश स्थापित किया गया, जिसको कि फिनलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल यूरोप में एस्किमो को लैप्स के नाम से जो है जाना जाता है। और रूस वाले बेल्ट में, या कह लो कि एशिया का क्षेत्र, रूस का क्षेत्र, यही तो जो है लगता है ध्रुवीय क्षेत्रों से, तो यहां पर इनको याकूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याकूत कहा जाता है। इस पर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि याकूत जनजातियां जो है कहां पाई जाती हैं? रूस में, साइबेरिया वाले बेल्ट में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेप्स कहां पाई जाती हैं? यूरोप में। और एस्किमो कहां पाई जाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में है। एक ही अलग अलग महाद्वीपों में इनका अलग अलग नाम है। एस्किमो लोग जब बर्फ का जो है घर बना करके रहते हैं तो उसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। लेकिन इग्लू जो निवास होता है, इन लोगों का शीतकालीन निवास होता है। आप देखे भी होंगे, और शीतकालीन निवास, अब तो भारत में जम्मू कश्मीर में पहला इग्लू कैफे भी बनाया गया है, बिल्कुल उसी डिजाइन में, जिसमें सिर्फ एक तरफ से प्रवेश करने का जो है रास्ता होता है, कोई इड़की खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो भी जो है लेट करके लोग प्रवेश करते हैं उसमें, और प्रवेश एक बार कर जाते हैं तो पता चलता है कि सुबह इतनी बर्फबारी रात में होती है कि वो भी दरवाजा बंद हो जाता है, उसको बर्फ तोड़ करके सुबह जो है निकलना पड़ता है, बिना दरवाजा वाला ये घर होता है। और वहां पर पाए जाने वाले जो जानवर है, चाहे यॉक है या फिर जो है सील मछली है, रेनडियर पाए जाते हैं, इनके जो है खास करके सील मछलियों के जो है चमड़े से बनाए गए तंबू को ये लोग जो है ट्यूपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन जो है इनके आवास को जो है कहा जाता है। इनका जो शिकार करने का भाला होता है, हथियार होता है, उसको जो है हार्पून के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हार्पून के नाम से। यह भी हड्डी से ही जो है बनाया जाता है, सील मछलियों की हड्डी से बनाया जाता है, और सील मछलियों का ही उससे शिकार किया जाता है। तो ये तो दुनिया की खैर जो है रीति है, हमेशा अपने अपने से ही जो है पराजित होते हैं। पेंट जिस कुल्हाड़ी से जो है कटता है, उस कुल्हाड़ी में किसी पेड़ की ही जो है लकड़ी लगी होती है। आगे प्रश्न देखें, उमियाक क्या है? मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति? ना, मध्य एशिया में जो निवास करती है जनजातियां, उनको खिरगिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खिरगिज जनजातियां। ये भी जो है एक पशु चराने वाली जनजातियां होती हैं, पशुपालन करने वाली जनजातियां होती हैं। अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान? जी नहीं। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार करने की एक नौका? ये सही है। एस्किमो लोगों के द्वारा शिकार, जब गर्मियों के दिनों में बर्फ जो है पिघल जाती है, तो ये शिकार करने वाले जो इनकी नौका होती है, बिल्कुल उसका डिजाइन वही होता है जैसा कि आप कभी जो है इंटरनेशनल बोटिंग कंपटीशन देखे होंगे, ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में, तो जो एक पतली सी नौका होती है, उस नौके पर किसी तरह एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, बिल्कुल उसी आकार की ये नौका होती है। सील मछलियों के चमड़े से या फिर लकड़ी से, हल्की लकड़ियों से ये जो है बनाई जाती है एस्किमो लोगों के द्वारा, और इसको क्या कहते हैं? इसको उमियाक के नाम से जो है जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति, जिसको एबोरजिंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरजिंस कहा जाता है यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों को। यहीं से नीचे एक और देश होता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, वहां जो जनजातियां पाई जाती हैं उनको जो है किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके जो है बताएं न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजातियों को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करें। माओरी। अगला प्रश्न देखें, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? लोग स्लेज का निर्माण जो है किससे करते हैं? बर्फ से।
लकड़ी से, सील की हड्डी से, रेंडियर से। तो एस्किमो जनजाति के लोगों का ये समझ लीजिए कि ये स्कॉर्पियो है, उनका ये थार है, BMW है, इसी पर जो है वो लोग यात्रा करते हैं। स्लेज वो गाड़ी होती है जो बिल्कुल वो गाड़ी होती है जिसमें कोई व्हील नहीं होती, कोई पहिया होता ही नहीं है। उनको कौन सा जो है हाईवे पर चलना है, उनको कौन सा जो है जीटी रोड पर चलना है, वो तो चारों तरफ जो है बर्फ जो है जमी रहती है, उसी बर्फ पे वो गाड़ी फिसलती है। बिना पहिए की गाड़ी होती है और इसको खींच, इसमें डीजल पेट्रोल बैटरी ना, इन यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं जिनको रेंडियर कहा जाता है, रेंडियर कहा जाता है। कभी कभी तो एक स्लेज गाड़ी को जो है 4 से 5 कुत्ते लगा उसी में लगा दिए जाते हैं, वही जो है खींचते हैं और उस पर बैठ करके जो है ये लोग मार्केट में नहीं शिकार करने के लिए जाते हैं, चाहे सील मछलियों का या वहाँ पाई जाने वाले जो है दूसरे जो है जीव, जिसमें कि मस्क नामक वहाँ चूहा पाया जाता है, वहाँ मस्क लोमड़ी पाई जाती है, यॉर्क जो है बैल पाए जाते हैं। और ये लोग 100% जो है आप समझ लें शाकाहारी की तो बातें छोड़ दीजिए, मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी में भी बड़ी विचित्र मांसाहारी होते हैं। ये शिकार करते हैं जिन जीवों का, उसके मांस को कुकर में ना एक भी सीटी नहीं, वहाँ बड़ी विचित्र जीवन होता है इनका। वहाँ आग है ही नहीं, लकड़ी है ही नहीं, गैस सिलेंडर कौन मोदी जी वहाँ फ्री में बांट रहे हैं। उस मांस को ये लोग जो है कच्चा भक्षण करते हैं, खा जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, स्लेज गाड़ी का निर्माण वैसे भी जो है सील नामक मछली वहाँ पाई जाती है, उसी की हड्डियों से जो है इसका निर्माण कार्य जो है किया जाता है। रेंडियर जो है इस गाड़ी को खींचते हैं। अगला प्रश्न देखें, कयाक क्या है, शिकार में प्रयुक्त होने वाला एक तीखा, प्रयुक्त होने वाला एक लंबा एवं शब्द है, एवं तीखा भाला, इसको हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून। और इसका ये लोग इस्तेमाल सिर्फ मछलियों का शिकार करने के लिए, जीवों का शिकार करने के लिए करते हैं, और का हार्पून लेके ओलंपिक में जाएंगे, नीरज चोपड़ा हैं। अगला, एस्किमो द्वारा आगमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका को क्या कहा जाता है? इसको कयाक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कयाक के नाम से जाना जाता है। एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्ध गोलाकार निवास, जो शीतकालीन होता है उसी को इग्लू कहते हैं। इग्लू कहते हैं, इग्लू। और एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन जो निवास होता है उसको अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, ये कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? वो जनजातियां जिनके लिए 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, ना बिल्कुल नहीं, उनका जितना ही जो है घनघोर पेड़, जिस पर जितना ही अधिक जो है पत्तियां हैं, जो बाहर से ये ना पता चले कि जो है अंदर क्या मामला है, ऐसे पेड़ इनके जो है निवास स्थान होते हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो इक्वेटरल बेल्ट होता है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। और जहां प्रतिदिन वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है वहां पौधे जो होंगे वो जो है वर्ष भर हरे भरे होंगे। इसीलिए तो मैं बताया था कि इक्वेटरल बेल्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सदाबहार होते हैं, उनको सदाबहार वन कहा जाता है। जो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो है बेल्ट होता है, और इन क्षेत्रों में वर्षा प्रतिदिन होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। टेम्परेचर इसका जो है जो होता है वो कितना, 30 डिग्री एवरेज होता है। भयंकर उमस जो है पड़ती है और घनघोर बड़े ऊंचे पेड़ जो है मिलते हैं। यहाँ इतने अधिक जो है इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे और लताएं होती हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती हैं, और इन्हीं ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों पर अपने निवास स्थान बनाकर रहने वाली जनजातियों को पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी। यही पिग्मी जब श्रीलंका में है तो इनको वहां पर श्रीलंका में वेद्दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेद्दा के नाम से जो है जाना जाता है। जो पिग्मी जनजातियां होती हैं, पिग्मी जनजातियां पपुआ न्यू गिनी में, कहां पर,
पपुआ न्यू गिनी एक देश का नाम है, कोई बुरा न माने। और हाँ भाई, कोई कांग्रेस का होगा तो उसको लगेगा कि ना, यहाँ जो जनजातियां पाई जाती हैं उनको जो है पपुआ ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ जो पाई जाती हैं जनजातियां कहाँ पर? पपुआ न्यू गिनी में जो पाई जाती हैं उनको जो है पैपुआ या पपुआ के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि बोर्नियो में जो पाई जाती हैं जनजातियां, बोर्नियो में जो पाई जाती हैं पिग्मी जनजातियां, इनको क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? पुनन कहते हैं। कहीं कहीं पुनान लिखा होगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? तीसरा विकल्प सही है। मसाई नामक जनजातियां विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में मिलती हैं, या कह लो केन्या में, तंजानिया में, युगांडा में जो है पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। सकाई नामक जनजातियां आगे अभी प्रश्न के रूप में आएगा, इसलिए यहां पर उसे डिस्क्लोज ना। निम्न में कौन सी जनजातियां पूर्णतः शाकाहारी होती हैं? सकाई, मसाई, सेमांग, खिरगिज। तो आपको जानकारी के लिए बताएं, सेमांग नामक जनजातियां जो है पूर्णतः जो है शाकाहारी होती हैं। और ये कहां पाई जाती हैं? यहां पाई जाती हैं, उस देश में पाई जाती हैं जिस देश की करेंसी जो है रिंगिट है, उस देश में पाई जाती हैं जिस देश की राजधानी कुआलालंपुर है, उस देश में पाई जाती हैं ये जनजातियां जहां प्रतिवर्ष अजलान शाह हॉकी कंपटीशन का जो है आयोजन किया जाता है। तो सेमांग नामक जनजातियां जो पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी होती हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं ये लोग बिल्कुल मेरे जैसे, और ये पशुपालन कार्य जो है इनका मुख्य पेशा है, पशुपालन एवं कृषि इनका जो है प्रमुख जो है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। खिरगिज नामक जनजातियां ये भी पशुपालन में ही जो है जिंदगी बिताती हैं। ये मध्य एशिया के देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में पाई जाती हैं। मसाई नामक जनजातियां कितना बार तो बताएं, YTK याद कर लीजिए, यानी युगांडा, तंजानिया और केन्या, इन्हीं तीनों देशों में पाई जाती हैं। यही ये तीनों देश जो है विक्टोरिया झील से लगते हैं, इसलिए विक्टोरिया के आसपास के क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं। सेकाई अभी आगे बता रहे हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थाई तंबू को क्या कहते हैं? तंबू को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये लोग तंबू इसलिए नहीं बनाते हैं कि उसमें बारात रोकनी है, जी नहीं, इन लोगों के द्वारा जो तंबू होता है यूं समझ लीजिए कि इनका निवास स्थान वो होता है। और हम लोगों के यहाँ तो तंबू विशेष अवसरों पर ही जो है लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और मध्य एशिया में पाई जाने वाली इन जनजातियों के द्वारा जो अपने निवास स्थान जो बनाए जाते हैं चमड़े के बनाए जाते हैं तंबू, उनको युर्त के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? युर्त के नाम से जाना जाता है। ट्यूपिक अभी मैंने बताया था, एस्किमो लोगों के द्वारा या लैप्स याकूत लोगों के द्वारा ये ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। कौन से? ग्रीष्मकालीन आवास ये होते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि एस्किमो लोग जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, यूरोप में नॉर्वे वाले बेल्ट में, उनको लैप्स कहते हैं। और जो एशिया में पाए जाते हैं, रूस वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, उनको जो है याकूत के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अभी आगे क्राल आएगा वहां मैं बताएगा। अगला प्रश्न देखें, लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में मैंने बताया था कौन कौन से देश आते हैं। आप कहेंगे कि फिनलैंड, नॉर्वे, यूरोप को पढ़ाया तो जो ये बताया भी था, आगे बताइए। फिनलैंड, नॉर्वे, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये बिल्कुल हाफ एंड 66 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त पर पड़ते हैं, जहाँ मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। और इन देशों में पाई जाने वाली जो एस्किमो जनजातियाँ होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? लैप्स कहते हैं। अभी पीछे मैंने बताया था दक्षिणी रूस, नहीं उत्तरी रूस, अगर ये उत्तरी रूस होता तो वहाँ पर जो पाए जाते हैं उनको याकूत के नाम से जो है जाना जाता है। कजाकिस्तान वाले बेल्ट में जो पाए जाते हैं या मध्य एशिया में जो पाई जाती हैं जनजातियाँ, अभी मैंने बताया स्पेशली खिरगिज होती हैं। और
माओरी ये कहां पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहां पर? माओरी। माओरी जनजातियां ये दुनिया की पहली ऐसी जनजातियां हैं, जनजातीय लोग हैं, न्यूजीलैंड के मुख्य निवासी लोग हैं, जिनके प्रयासों से न्यूजीलैंड की सरकार ने दुनिया का ऐसा पहला काम किया जब किसी नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। और इन्हीं जनजातियों की वो पूजनीय नदी है रिवर्स को मैंने पढ़ाया तो वहाँ पर बताया भी था उस नदी के संदर्भ में। आप कमेंट करके मुझको क्लास के बाद में अगर जो है बताते हैं तो मुझे बड़ा फील गुड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, जुलू लोग कहाँ रहते हैं? जब आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैं जुलू का युद्ध बताया था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो अलग बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है मदद किया गया था। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? जुलू अफ्रीका के जो है नटाल क्षेत्र में जो है पाया जाता है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा वहीं पर किया गया था। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जनजातियों को माओरी कहते हैं, अभी पीछे मैंने बताया था। माओरी पशुपालन इनका मुख्य जो है पेशा होता है। न्यूजीलैंड को वैसे ही चरवाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं इनको एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। कांगो में पाई जाने वाली जनजातियों को पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी। मैंने बताया ना इक्वेटरल वाले बेल्ट में जो है ये पाए जाते हैं और पेड़ों पर पाए रहने वाले लोग हैं। और ये हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया टेस्ट सीरीज है, जिनको प्राप्त करने के लिए www.study91pro.com पर जाएं या इस ऐप को डाउनलोड करें या इस संस्था के द्वारा दिए गए नंबरों पर कॉल करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाई निम्नलिखित में से क्या है? जापान में रोग पैदा करने वाली एक मक्खी? ना, पहले ही बताया था। दक्षिण अफ्रीका की एक विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण की खान? कसम से नहीं। श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित पहाड़ी? तो म्यांमार के चीन पर्वत है। ये चीन पर्वत पर रहने वाली जनजातियों को ही क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। ऐसी जनजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। इन्हीं का हिस्सा है जो है मैतेई जनजातियां जो कि मणिपुर में पाई जाती हैं। और इन जनजातियों के द्वारा किए गए खुराफात की वजह से बड़ा मणिपुर जो है चर्चा में रहा। उनके द्वारा लाई हरोबा त्यौहार भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड सुमेलित है बिल्कुल। माओरी नामक जनजातियां वहीं पाई जाती हैं, पशुपालन करती हैं मुख्य रूप से। और न्यूजीलैंड को चरवाहों का स्वर्ग कहा जाता है। चरवाहा का मतलब जो है पशुओं को चराने वाले लोग। अफ्रीदीज पाकिस्तान का जो है एक खिलाड़ी जिसका नाम जो है आप लोग सुने होंगे, शाहिद अफरीदी। वहां पर पाई जाने वाली पाकिस्तान में जो जनजातियां होती हैं उनको जो है अफरीदी जो है कहा जाता है। वो जनजातियां जिनको कभी अरब के लोगों ने जो है इन इधर उधर के क्षेत्रों से पकड़ लिया और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया या इस्लाम धर्म में उनका परिवर्तन कर दिया, वो अफरीदीस कहे गए। और अफरीदीस आज भी अफरीदी ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं तो पाकिस्तान में जो है पाई जाती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले बेल्ट में पाई जाती हैं। एनू जापान में पाए जाते हैं। पिग्मी कांगो बेसिन में। माओरी उधर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। पिग्मी जनजातियां जो है कहां पाई जाती हैं? पेड़ों पर। और किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कांगो को जो है कंट्री ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, वनों का देश कहा जाता है। यहां के कुल क्षेत्रफल का लगभग more than 90% एरिया पर जो है जंगल का साम्राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनू नामक जनजातियां जापान में हेकाइडो नामक द्वीप पर पाई जाती हैं। हेकाइडो नामक द्वीप पर पाई जाती हैं। भारत में जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सेंटलीज नामक जनजातियां। भारतीय जनजातियों को यहां पर मैं नहीं रखा हूं इसलिए कि अभी जो है भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा तो वहां उनको बताया जाएगा। सेंटलीज जनजातियां अंडमान निकोबार के जो है जिस द्वीप पर पाई जाती हैं उनका नाम ही सेंटलीज है। और भारत सरकार स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जारी करके उन जनजातियों
को सुरक्षित रखने के लिए उन द्वीपों पर गैर जो है इंसानों का जाना जो है वर्जित कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल अभी आदिम जीवन जो है जी रहे हैं, पेड़ों पर रहने वाले, कंदराओं में रहने वाली जनजातियां हैं और आज भी निर्वस्त्र रहने वाली जनजातियां हैं। ये ऐसी ही कंडीशन जो है पिग्मियों की भी ऑलमोस्ट है। एनु नामक जनजातियां हाकाइडो नामक जो है द्वीप पर जापान में जो है पाए जाते हैं, लेकिन जापान सरकारों के जो है प्रयासों से ये जनजातीय लोग जो है धीरे धीरे अब जो है सामान्य लोगों की तरह जो है अपने जीवन को जो है अब जी रहे हैं। भारत में भी जनजाति लोग सबसे अधिक, कभी जनजातियां गोड़ जनजातियां थी, अब भील जनजातियां सबसे अधिक है, संथाल तीसरे नंबर पर जो है सबसे अधिक है भारत में, और संथाल जनजाति की ही महिला जिनका नाम जो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की इस समय जो है राष्ट्रपति हैं। तो कुछ देशों में वहां की सरकारों के प्रयासों से इस जनजातियों ने जो है बहुत प्रगति किया, और कुछ देशों में बताने की जरूरत नहीं आज भी वही स्थिति बनी पड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित युग्म है, फटाफट जो है आप आंसर करिए, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, सकाई मलेशिया, किर्गिज इंडोनेशिया, पिग्मी कीनिया, सेम्पेन थाईलैंड। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में सकाई मलेशिया, किर्गिज इंडोनेशिया, पिग्मी कीनिया में नहीं पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया था, सेम्पेन जो है ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, किर्गिज ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये किर्गिस्तान वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा पहला। आगे देखते हैं, अफरीदी जनजातियां पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाई जाती हैं, जबकि जुलू जनजातियां नटाल प्रांत अफ्रीका में पाई जाती हैं, माओरी जनजातियां न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, माया जनजातियां मैक्सिको में यानी मध्य अमेरिका में पाई जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, पहले का चौथा, ए का चार, यानी ये नहीं होगा सही, ये नहीं सही होगा, बी का कौन सा है, बी का दूसरा है तरीके सही है, सी माओरी यानी पहला, सी का पहला अ है, यही दिया ही है बस यहां, तो तीसरा विकल्प 100% क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, वेलुंस कौन है, वेलुंस एक तो हम लोगों के यहां है, बताने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे करते हैं, लेकिन यहां वेलुंस जो है बेल्जियम में पाई जाने वाली उन जनजातियों को कहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बोलती हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा, यहां पर जो है इनको माओरी कहते हैं, क्या कहते हैं, माओरी कहते हैं, इनको यहां पर जो है एबोरिजिन्स कहते हैं, एबोरिजिन्स के नाम से जो है इनको जाना जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के जो है मूल निवासियों को जो है किस नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं, बिल्कुल सही, बुशमैन कालाहारी के मरुस्थल में निवास करते हैं बोत्सवाना वाले बेल्ट में, बिल्कुल सही, हाटेन टाट नामक जनजातियां नामीब मरुस्थल में निवास करती हैं, ये भी सही है, तो फिर क्या सब सही है, फिर इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है। कचिन क्या है, म्यांमार की एक नदी, ना, म्यांमार का एक पर्वत, म्यांमार की एक घाटी, ना, कचिन नामक जनजातियां कहां पाई जाती हैं, म्यांमार में ही पाई जाती हैं, यहां लाई नामक भी जनजातियां पाई जाती हैं, यहां रोहिग्या नामक भी जनजातियां जो है पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित करिए, किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं, बुशमैन कहाँ पाए जाएंगे, कालाहारी में जाएंगे, एनू जो है जापान में जो है पाई जाएंगी, बद्दू जनजातियां अरब में पाई जाएंगी, कहां पर, अरब में, तो ए का कौन सा सही है, तीसरा, ए का सही है तीसरा, बी का कौन सा सही है, चौथा, बस यही दिया ही है, तो आगे बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, अरे यार वही तो है, एनू होकाइडा जापान में, माओरी न्यूजीलैंड में,
अगर आपको जो है यही दो पता हो, नहीं तो अभी पपुआंस कहाँ पाए जाते हैं, न्यू गिनी में पाए जाते हैं, बिंदुबू कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है पाई जाने वाली जनजातियां हुई, तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, एक का दूसरा, एक का दूसरा यहां यहां है, तो ये उत्तर जो है नहीं हो सकता है, बी का पहला, बी का पहला यानी ये, और नहीं तो ए, ओ वही दिया है, सी का तीसरा, सी में तीसरा यानी ये उत्तर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, दूसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे देखें, पिग्मी निवासी हैं, कुछ नहीं करना है, अफ्रीका के मूल रूप से जो है निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, किर्गिज जनजातियां मध्य एशिया में निवास करती हैं, बिल्कुल सही है, यह एक पशुपालक जनजाति है, इन जनजातियों को तंबू को यूर्त के नाम से जो है जाना जाता है, और ये जनजातियां जहां पर चारागाह, जहां पर घास अधिक होता है वहां तंबू लगा करके इनका जीवन शुरू, अपने पशुओं को वहां लेकर के वहां तब तक आवास बना करके अस्थाई रहेंगे जब तक कि वहां घास की उपलब्धता है, घास खत्म काम खत्म, फिर घास के तलाश में ये चल देते हैं दूसरे अन्यत्र क्षेत्रों की तरफ। मैं इतिहास पढ़ाया तो आपको बताया कि ईसा पूर्व विभिन्न जनजातियों का भारत में जो आगमन हुआ था वो अपने जानवरों के घास के तलाश में ही हुआ था, मध्य एशिया से बहुत से जो है जनजातियां आई और वो आए अपने जानवरों को घास के तलाश में और भारत में आकर के खुद ही जानवर बन गए, वो अलग बात है। अगला प्रश्न को देखते हैं, दिए हुए प्रश्न में जो है कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है, सब सत्य है, इसीलिए जो है अंतिम विकल्प असत्य है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मसाई जनजातियां पूर्वी अफ्रीका में निवास करती हैं, बिल्कुल सही है, मसाई जनजातियां कहां पर, तो विक्टोरिया के क्षेत्र में जो है निवास करती हैं, विक्टोरिया क्षेत्र में, केन्या और स्पेशली तंजानिया नामक दो देशों में इनकी संख्या सबसे अधिक है, जनजाति की बस्तियों को क्राल कहते हैं, बिल्कुल सही है, इनके जो है बस्तियों को क्राल कहा जाता है, ये पशुचारण का काम करती हैं, लेकिन इनकी जो बस्तियां होती हैं आयताकार न बल्कि जो है इनका जो है बस्तियां आयताकार जो है नहीं होती हैं बल्कि जो है वृत्ताकार क्षेत्र में होती हैं, तंबुओं का ये दौर होता है, तो जाहिर सी बात है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुशमैन नामक जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, बिल्कुल सही है, बोत्सवाना में पाई जाने वाली जनजातियां यह एक आखेट एवं भोजन संग्राहक जनजाति है, यह भी सही है, चीटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, मैंने शुरू में ही बताया इन पट्टे जो है चीटियों का जो है बहुत ज्यादा जो है भक्षण करते हैं और इन चीटियों को बड़े प्रेम से जो है पानी में उबाल करके, और अब आगे मैं क्या ही बताऊं, समझ गए होंगे, तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, किर्गिज नामक जनजाति के लोग, हम लोगों के यहाँ भी जहाँ तहाँ ये देखने को मिलता है, दूध को वैसे भी जो है दूध को उबाल दिया जाता है, उबाल करके रखा जाता है, ये लोग उसको उबालते नहीं है बल्कि उसी तरह जो है रख देते हैं, और उसके बाद जब वो खट्टापन हो जाता है, उबाल करके आप रख दीजिए उसमें जो है फिर उसका तरीका होता है वो दूध से दही हो जाता है, लेकिन ऐसे भी जो है वैसे ही रख दीजिए बिना उबाले हुए तब भी वो खट्टा हो जाएगा, और जब उस तरह से खट्टा हो जाता है तो ये लोग उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किर्गिज लोग, हालांकि हम लोगों की तरफ उसको फेंक दिया जाता है। बद्दू नामक जनजातियां मैंने बताया था ये अफ्रीका के क्षेत्रों में मिलती हैं, वेद्दा जनजातियां श्रीलंका में मिलती हैं, अफ्रीकी क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती हैं, शेकाई जनजातियां जो है मलेशिया में पाई जाती हैं, ये जो है केन्या और जो है तंजानिया में, या कह लो कि जो है विक्टोरिया झील के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये था आज का अंतिम इस सेशन का प्रश्न, एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं एस्किमो, मसाई कहाँ पाए जाते हैं तो अभी मैंने बताया था, बद्दू कहाँ पाए जाएंगे सऊदी अरब वाले बेल्ट में, बुशमैन कहाँ पाए जाएंगे बोत्सवाना में जो है पाए जाएंगे, मैंने बताया था
सॉरी बद्दू नामक जनजातियां जो है अफ्रीका में नहीं, ये जो है अरब के क्षेत्र में जो है मिलती हैं, अरब के मरुस्थलों में मिलती हैं, अरब के मरुस्थलों में मिलती हैं, थैंक यू, अरब के मरुस्थलों में मिलते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, एक का तीसरा बस एक ही जगह दिया ही है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, ये आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो है जारी की गई जो है पुस्तकें हैं, जो कि अभी पुलिस का पेपर जो हुआ या आरओ का पेपर हुआ उसमें बहुत शानदार इसका रिकॉर्ड रहा था। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं, सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं, कसम से। इस सेशन में बस इतना ही, इतना बड़ा वाला आप सबको थैंक यू, इतने देर तक मुझको सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।